दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे किया जाता है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पर किसी कॉइन को स्टडी कैसे किया जाता है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करके आप ये देख सकते हो कि ये कॉइन अच्छा है या बुरा है, या उसकी स्टडी पे आप कैसे ट्रेड लोगे। सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ओवरऑल मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस क्या कैसे किया जाता है, किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है और किन किन चीज़ों को देखा जाता है और कंसिडर किया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये है कि इस वीडियो के लास्ट पे आई कैन बेट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के मास्टर्स बन जाओगे। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, मैं हूँ ऑनर ऑफ क्रिप्टो नोट्स चैनल। यहाँ पे आपको मोर देन 300 वीडियोज मिल जाएंगी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के रिलेटेड, और यहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी मिल जाएंगी। 6 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में, और मोर देन 2 ईयर से मैं लोगों को, आप भाइयों को सिखा रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कैसे की जाती है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की बेस पर। स्टार्ट करते हैं। देखें, एक सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन होती है कि न्यूज़ को हम ले आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। हम ये समझते हैं कि ये एक न्यूज़ ही है जो तय करती है कि प्राइस पंप होगी या डंप होगी। न्यूज़ सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है, ठीक। इसमें बहुत सारी, मोर देन 50 चीज़ें होती हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, वो सारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे कि कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे। सपोज करें आपने किसी कॉइन को बाई करना है, आप किसी कॉइन की स्टडी करने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसकी स्टडी कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है। कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, यहाँ पे सर्च बार में उस कॉइन का नाम लिखोगे और आपको वो कॉइन मिल जाएगा अगर वो लिस्ट हुआ कॉइन मार्केट कैप पर। अगर तो वो कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं सरप्राइजिंगली जो कि कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट ही नहीं है, और लोगों के बताए हुए वे से MLM स्कीम की वजह से आप उसमें फंस जाते हो और फिर अपने पैसे गवा बैठते हो। अगर तो लिस्ट है तो ओब्वियसली आप स्टडी भी कर सकते हो और आपको ये भी पता चलेगा कि उस कॉइन में टोटल कितने एसेट्स इन्वेस्ट हैं, कितना मार्केट कैप है उस कॉइन के अंदर, राइट। तो सर्च करने के बाद आपको उस कॉइन का रैंक भी पता चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हम रिपल कॉइन की स्टडी करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पर, और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को और पता, ये भी पता चलेगा कि किन किन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। रिपल कॉइन को आप जाते, उस पहला काम आपने ये देखना है, या कोई भी कॉइन है उसका रैंक कितना, इसका रैंक नंबर 3rd है। इस पे आप जब आप क्लिक करोगे ना तो कुछ इस तरह का पेज खोल के आपके सामने आएगा। इसमें मार्केट, टोटल मार्केट कैप कितना है, 24 आवर वॉल्यूम, ये सारा कुछ आप बाद में देखोगे। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है। सबसे पहले जो आप काम करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे वेबसाइट पे। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो इसकी वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी रिपल कॉइन की, ठीक। रिपल कॉइन की जब आप वेबसाइट खुलेगी तो पहला काम आपने ये देखना है कि क्या मीन कोई भी कॉइन, ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कोई भी कॉइन आप ये देखोगे कि क्या वो प्रोफेशनल टाइप की कोई वेबसाइट है, प्रोफेशनल लुक भी है, क्योंकि एक टीम जो इतनी अच्छी है जो प्रेजेंट कर रही है कि मेरा कॉइन इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन दे सकता है मार्केट में, तो क्या उसके पास एक वेबसाइट बनाने के लिए इंजीनियर भी मौजूद है कि नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कॉइन में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बहुत बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बिलीव मी उनकी जो वेबसाइट ही बता देती है ओपन करते हुए कि दे आर नॉट प्रोफेशनल, ये किसी एक दो बंदे ने किसी को रूम में बैठ के वेबसाइट बनाई है और आपके पैसे लूटने का इरादा कर रहे हैं, ठीक। तो पहला जो काम होता है वो आपके जो ये वेबसाइट होती है यही लुक ही बता देती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के इंटर रिलेटेड ये पॉइंट है, ठीक। इससे आगे जो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर आपने ये देखना है कि ये कॉइन है किस चीज़ के रिलेटेड है। आप देखो कितनी प्रोफेशनल ये वेबसाइट, कितनी प्रोफेशनल लुक है इस वेबसाइट की, ये देखिएगा। उसके बाद आपने ये देखना है कि इस कॉइन का पर्पस क्या है, क्या ये एक सिक्योरिटी टोकन है, क्या ये एक मनी ट्रांसफर के रिलेटेड कोई कॉइन है, यूटिलिटी टोकन है, राइट, या इसका कोई और यूज केस है, वो आप यहाँ से देखोगे। मोस्टली जो ओपनिंग लाइंस होती हैं उन्हीं में ही पता चल जाता है कि ये कॉइन किस टाइप का है, ठीक। तो चूंकि हम इस कॉइन को एन एग्जाम्पल ले रहे हो, इस कॉइन की स्पेसिफिक स्टडी नहीं करें हम, और टोटल ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टडी करनी है।
रिपल कॉइन जो बेसिकली है वो ऑब्वियसली ऑफर करता है बैंक पेमेंट एंड प्रोवाइडेड एज ए रिलायबल ऑन डिमांड ऑप्शन टू सोर्स लिक्विडिटी फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। इसका मतलब ये एक पेमेंट बेस्ड कॉइन है, ये आपको पता चल गया, आपको इसका पर्पस पता चल गया। उसके बाद दोबारा आप जाओगे कॉइन मार्केट कैप पे, फिर वहाँ पे देखोगे इसकी टोटल मार्केट सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, इसकी करंट प्राइस कितनी है। ठीक है, करंट प्राइस जब आप देखोगे तो आप ये पहले सेकंड जो आपने काम करना है, वेबसाइट को देखने के बाद, सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखने के बाद, आपने ये देखना है कि उसका रेट इस टाइम पर कितना चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप पिछले 7 डे का डाटा, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप पिछले 7 to 8 डेज का डाटा निकाल लो कि हाई एंड लो क्या बने थे, हाई कितना गया, लो कितना गया। ठीक है, वो भी आपको सारा पता चल जाएगा। कॉइन मार्केट कैप पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी चार्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो। ठीक, जब आपको ये भी पता चलेगा कि प्रीवियस 7 डेज में क्या हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में भी थोड़ी आसानी होगी बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी से आए और प्राइस बहुत ही ज़्यादा पंप है या किसी ने बताया, आप उसमें जंप इन कर गए और आपने हाई प्राइसिस पे बाई कर लिया। 3-4 दिन पहले तो उसकी प्राइस 2 सतोशी थी, आज उसकी 10 सतोशी प्राइस है, आपको तो ये लगेगा यूनिट 10 सतोशी का है, बड़ा चीप कॉइन है, लेकिन ये नहीं पता वो 200 या 300% 100% बढ़ा हुआ है, तो आपको लॉस हो जाएगा। आपने जैसे ही देखना है कि ये कॉइन की प्राइस क्या है, आपका दूसरा काम ये होना चाहिए उसके बाद प्राइस देखने के बाद के प्रीवियस 7 डेज के अंदर अंदर क्या हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें तो ये देखो प्रीवियस 45 डेज के अंदर अंदर कितनी प्राइस गई है, तो उनमें से जो चीपेस्ट प्राइस है, मैं कोशिश करूंगा कि इस प्राइस पे अगर प्राइस आती है ठीक है तो मैं बाय कर लूँ। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि आगे जाके आपको शायद मिक्सअप होके आप भूल भी जाओगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस को, उसमें सारा कुछ कवर कर दूंगा। मैं भी इवन दैट कि आपको सिखाने के लिए साथ में अपने नोट्स खोल के बैठा हुआ हूँ ताकि आपको बता सकूं। जैसे देखो आपके इसकी प्रोफेशनल वेबसाइट है कि नहीं है, कुछ लुक भी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि इसके स्पेलिंग चेक करने हैं, क्लोजली देखने हैं। हमेशा जो दो नंबर लोग होते हैं, जो कि धोखेबाज हम कह सकते हैं, स्कैमर होते हैं, ऑब्वियसली वो 3-4 बंदे पूरी टीम मिलके तो नहीं स्कैम करेगी, वो तो बड़ा रेयर चांस होता है, वो अ फ्यू लोग होते हैं। तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट बनाते हो तो अगर आपको लगता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो आप समझ जाएं कि कुछ डोजी है। ठीक है, एक प्रोफेशनल टीम जो होती है वो एक वेबसाइट को बनाने के बाद 100 दफ़ा उसको स्टडी करती है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारे इंजीनियर देखते हैं, पूरी टीम वर्क होते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक होना एक बच्चों का काम है। अगर वो हुई तो इसका मतलब कोई किसी ने एक दिन में बनाई है और जैसे तैसे करके और आपको वो ICO ला के आपसे पैसे लूटने की कोशिश करें। स्पेलिंग्स जो होते हैं उससे भी आपको पता चल जाए, जैसे लगे स्पेलिंग खराब है, कोई गलत है, उसे क्यूट कर जाए, उसमें एंट्री ना लें। बहुत 3,000 कॉइन्स हैं इस टाइम पे ऑल कॉइन मार्केट कैप में, तो किसी और कॉइन में देख लें, जरूरी है उसी में ही करना है आपने। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के बाद, स्पेलिंग मिस्टेक में दूसरी बात यह है कि आपको भी पता होना चाहिए कि क्या आपके खुद के स्पेलिंग भी ठीक है कि नहीं है, राइट। आप गूगल से उसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल सब सबके स्पेलिंग नहीं आते, आप गूगल से देख सकते हो। तो उसके यूज केस को देखने के बाद मैं जल्दी जल्दी से आगे बढ़ूंगा कि आपने ये देखना है। अच्छा, वाइट पेपर और वन पेजर, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मोस्ट ऑफ द जो 98% जो ट्रेडर्स हैं वो वाइट पेपर को पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं करते। क्यों नहीं पढ़ने की जहमत गवारा नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पढ़ने में, अंडरस्टैंड नहीं होता है। 1-2 दफ़ा हम ट्राई करते हैं किसी के कहने पे, लेकिन होता यह है कि वो मुश्किल लगता है, समझ नहीं आती, हमें लगता है ये फील्ड हमारे रिलेटेड है ही नहीं, इसलिए हमें समझ नहीं लग रही है। ठीक है, आप क्या करोगे कि वाइट पेपर को पढ़ोगे, उनमें से आपको सिर्फ 10% 15% बातें ही समझ आएंगी, लेकिन बिलीव मी वही 10-15% जो बातें हैं वही काम की होंगी। ठीक है, बाकी सारा टेक्निकल जो नॉलेज होगा वो ऑब्वियसली जिनकी ये स्पेसिफिक फील्ड है इंजीनियर्स की, उनको ही समझ आता है। तो
वो जो 10 से 15% आप नॉलेज लोगे ना, जब आप किसी और कोइन को पढ़ोगे, किसी और कोइन का वाइट पेपर पढ़ोगे ना, तो ये 10 to 15% की जो वोकेबुलरी है, जो आपको समझोगे, वो उस वाइट पेपर को समझने में मदद देंगे, वो वाइट पेपर आपको 25% समझ आएगा। फिर आप थर्ड कोइन के वाइट पेपर को पढ़ोगे तो आपको 50% समझ आने लगेगा। वो 50% मोर देन इनफ होता है एक एक्सपर्ट को जानने के लिए कि क्या चल रहा है इस कोइन के अंदर, क्या क्या टेक्नोलॉजी या फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं, समझ आ जाएगी। बिलीव मी, पहली दफा पढ़ने में कुछ भी समझ नहीं आता, बजाय मोर देन इवन दैट के 5% भी समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है कि वन पेजर। वन पेजर का मतलब होता है कि एक पेज के अंदर अंदर वाइट पेपर को सम अप किया होता है। वो उन लोगों के लिए होता है जो कि पूरा नहीं पढ़ना चाहता, 30-35 पेजेस का वो वाइट पेपर होता है, नहीं पढ़ना चाहता, जल्दी जल्दी से ओवरऑल में देख रहे हैं तो वो वन पेजर को पढ़ लेते हैं उस ओल्ड कॉइन के, तो पता चल जाता है कि ये जो कॉइन है स्पेसिफिक किस फील्ड के रिलेटेड है और इसका फायदा क्या, फ्यूचर में ये क्या आपको रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो जनाब व्हाइट पेपर वन पेजर के अलावा एक 4 पेजेस का फ्लायर भी होता है या 4 पेजेस का पेजर भी होता है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो आपको मैं टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, फंडामेंटल एनालिसिस में स्टडी करते हुए आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है टीम के रिलेटेड, हमेशा ऐसे बोल दिया जाता है टीम अच्छी होनी चाहिए। भाई ये तो पता हो कि कौन सा ऐसा पैमाना है, कौन सी ऐसी मेजरमेंट है जिससे ये पता चले कि ये टीम अच्छी है भी कि नहीं अच्छी है, वो कौन लोग हैं, आप उनसे आप उनको तो नहीं जानते। तो उनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बता देते हैं कि क्या ये टीम ऐसे ही है या बहुत अच्छी टीम है। तो उसके लिए जो चीज़ें आपने देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले ये देखना है कि टीम की जो पिक्चर्स हैं उस वेबसाइट पे, क्या वो जेन्युइन ह्यूमन पिक्चर्स हैं, कार्टून्स की पिक्चर तो नहीं है। समटाइम ऐसा होता है ना कि एवटार बनाए होते हैं, कि कार्टून्स बनाए नीचे लिखा होता है कि ये नाम है और नीचे उनका ट्विटर या लिंक्डइन का कोई भी अकाउंट दिया होता है, पता नहीं होता उसके पीछे रियल पर्सन कौन सा है। पूरी टीम होगी, पूरी टीम में कोई भी एक एवटार नहीं होना चाहिए, ह्यूमन फेसेस होने चाहिए। सबसे पहले ये आपको ये पता चलेगा कि ये वाकई एक टीम एग्जिस्ट करती भी है नहीं है, क्योंकि टीम अच्छी या ना होना, टीम अच्छी या बैड होना ये बाद का मसला है। पहले ये भी तो देखो वो टीम जिसके बारे में बता रहे हो वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, इस दुनिया में उस टीम का कोई वजूद भी है कि नहीं है। तो ये बातें आपने देखनी है किसी कॉइन को देखते हुए, उस कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे उसकी स्टडी कर दो, ये देखनी है। टीम को देखने के बाद आपने उसके नीचे हमेशा उसका एक्सपीरियंस दिया जाता है। अब आपको नहीं पता कि ये सच बोला जा रहा है या ये गलत बोला जा रहा है, आपने क्या करना है, जो भी दिया वो लिंक्डइन का अकाउंट दिया गया है, ट्विटर का दिया गया है, रेडिट का है, कुछ भी है, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उसका एक्सपीरियंस पढ़ोगे, रियलिटी बेस आपको सारा कुछ लगेगा, वो इसका ये है, ये एक्सपीरियंस है। उसमें आपने एक बार नोट करनी है, चूंकि हम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, चूंकि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज का मिक्सचर है समटाइम, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट डिसेंट्रलाइज का है, ब्लॉकचेन आगे, क्या उस टीम के मेंबर में कोई ऐसा बंदा भी है जिसका बैकग्राउंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हो, राइट? ऐसा तो नहीं है कि बाकी सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, किसी और फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक बंदा भी नहीं है। तो ये आपने बात देखनी है कि कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई एक्सपर्ट है कि नहीं है, वो सारा आपने देख लेना है। दूसरा आपने ये देखना है उनके ट्विटर पेज पे जाके कि इनके लास्ट पेज पोस्ट कब आती है। ऐसा तो नहीं 2 मंथ से वो एक्टिव ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एक एक वीक में एक ही दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो बस कभी एक 14 डेज के बाद दे रहा है, कभी 1 मंथ के बाद दे रहा है, मीन के कोई रेगुलरिटी नहीं होगी। जो बड़े लोग होते हैं वो एक रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो 2 दिन के बाद पोस्ट करें वो करेंगे, डेली बेसिस पे करें वो करेंगे, ठीक है। स्पेशली तो ये जो कॉइन्स ओल्ड कॉइन्स के जो सीईओ मेंबर्स हैं इनको डेली बेसिस पे इन्हें रखना पड़ता है, अपने जो बायर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं इनको अपडेटेड रखने के लिए ट्विटर लिंक्डइन पोस्ट डालनी पड़ती हैं रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। ये चीज़ें देखने के बाद आपका किसी के पास भी लिंक्डइन अकाउंट नहीं है, लिंक्डइन अकाउंट बना लें, रेडिट पे अकाउंट बनाएं, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। इसके बाद आपने ये देखना है कि इस कॉइन का पेज ढूंढना है ट्विटर के ऊपर, रेडिट के ऊपर, ठीक, और सोशल मीडिया अगर फेसबुक पे भी अगर है तो आपने इस कॉइन का पेज वहां पे ढूंढना है। जब आपने देखना है सेम वही कि इसकी लास्ट पोस्ट कब आई थी,
क्या ये लास्ट पोस्ट 1 वीक अगो थी, क्या ये लास्ट पोस्ट 2 मंथ अगो थी। अगर 2 मंथ से 1 मंथ से कोई पोस्ट नहीं है तो उसको इनको छोड़ दें, इसका कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं, डेटा मरी पड़ी है तो क्या फायदा है, आपने उसमें नहीं करना। टीम काम करेगी तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना आइडिया जो भी है हवा में तीर तो छोड़ते जाओ कि हम ये कर देंगे, हम चांद को जमीन पर ले आएंगे, राइट? ऐसा नहीं होता है। टीम को उस पर काम करना है, ये भी देखें क्या वो टीम काम कर रही है। एटलीस्ट टीम को काम करने के लिए उन्हें बताना चाहिए कि वो ट्विटर पे या कुछ भी पोस्ट करें, जो कि इतनी भी जहमत नहीं करते ट्विटर पर पोस्ट डालने की, तो वो टीम पीछे क्या काम कर रही होगी, आप खुद समझो, कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद आपने जो देखना है वो ये देखना है कि रेगुलर बेसिस पे आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके लिए आप डीजी बाइट देखो, डीजी बाइट के आप ट्विटर अकाउंट पे जाओ और देखो, दिन में 3-4 तो पोस्ट वो कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी देखो कि इसके बाद आप ये भी देखो कि क्या वो हवा में तीर तो नहीं छोड़े कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर वो छोड़ रहे हैं या कोई स्पेसिफिक टीम आपको डेट दे रहे हैं, क्या उस डेट पे काम हो रहा है, राइट? अगर उस डेट पे काम हो रहा है तो ऑब्वियसली वो टीम अच्छी है और वर्किंग कंडीशन में फ्यूचर में आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा और आपको आपके जो मनी है वो डबल ट्रिपल भी हो जाएगी। इसके बाद आपने ये देखना है कि हमेशा जो प्रोजेक्ट्स वो लेके आ रहे हैं और क्या वो रियलिटी बेस्ड हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बस उसका कोई डेली लाइफ में, कोई आने वाले फ्यूचर में इंसानियत को कोई फायदा भी होगा कि नहीं होगा, या वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं कि क्या किसी और करेंसी से उसको बाई किया जा सकता है फ्यूचर में। जैसे गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो कि ये कहते हैं कि आप इस स्पेसिफिक कॉइन से हमारा जो गेम्स हैं वो फ्यूचर में बाई कर सकेंगे, लेकिन साथ में बिटकॉइन की पेमेंट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि वर्किंग प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको भी देखे उस इन दैट केस में वो जो टीम है या वो जो कॉइन है फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न आपको नहीं दे सकेगा। ऑब्वियसली अगर वो बना ही ये है कि लोग उनके कॉइन को यूटिलिटी के तौर पे यूज करें, तो बाकी पेमेंट जो मेथड्स होंगे तो वो इनकी कॉइन्स की डिमांड को कम कर देंगे, ये बात आपने देखनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉइन में ये आपने देखना है कि क्या कोई कॉइन का अता पता भी है टीम का, या वो जो प्रोजेक्ट है उनका ऑफिस किधर है, उनका पोस्ट कोड क्या है, किस कंट्री में वो है। मेन आपने वो सारा चेक करना है गूगल पे जाके, गूगल पे एड्रेसेस पे जाके आपने देख लेना है कि क्या वो एक एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। पोस्ट कोड ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन आप ये आपको थोड़ी सी ये करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो एक पोस्ट कोड, आप देखो गूगल स्ट्रीट व्यू पे जाओगे ना, अगर आप गूगल स्ट्रीट व्यू खोलो तो आपको स्ट्रीट व्यू नजर आता है कि ये इस घर का पोस्ट कोड है। आपको ये आप ये देखो क्या वो ऑफिस टाइप है, ऐसे देखो वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक कोई पिक्चर लगी हुई है और सिंपल एज दैट वो यहाँ पे डाला हुआ है। अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या वो एक ऑफिस भी बाय नहीं कर सकते? अगर एक उसने ऑफिस बाय कर लिया तो क्या वो उसको एक प्रोफेशनल लुक भी नहीं दे सकती? सर एक एक चीज को आपने देख के चलना है, एक एक चीज को आपने देख लेके चलना है, एक जरा सी भी गलती आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको डुबो सकती है। इसके बाद आपने ये देखना है कि सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे उनका कोई अकाउंट है, अगर है तो पेज को आप ज्वाइन कर लो, देखो कि बाकी जो लोग हैं वो उसके कॉइन के बारे में क्या कहते हैं, राइट? ये भी आपको उस कॉइन को समझने में मदद देते हैं। देखिए इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतनी ज्यादा चीजें हैं, और स्टडी करने के लिए आप क्या करते हो, उन चीजों को स्किप करके उस कॉइन में जंप इन कर जाते हो और नुकसान कर बैठते हो। फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर किसी भी कॉइन को ऐसे टेस्ट किया जाता है, ऐसे देखा जाता है, एक भी एलिमेंट इसमें मिस है। बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं उनमें तो व्हाइट पेपर ही मिस होता है, उनमें टीम की शक्लें ही नहीं होती, उनमें प्रॉपर एड्रेस ही नहीं होता, टेलीग्राम चैनल भी समटाइम नहीं होता, अगर होता है तो उनपे भी पोस्ट ये होता है कि वो कम्युनिटी के लिए ओपन नहीं होता, खुद से पोस्ट वो देते हैं, वो 3 से 4 दिन के बाद एक पोस्ट आती है और बस जी उनका काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं, देखें रेगुलर चल रहा है और चैटिंग कर रही है, उनके एडमिन कितने ज्यादा एक्टिव है, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो पहला पार्ट फिनिश करने से पहले आपको एक लास्ट पॉइंट भी बताना चाहूंगा, ये देखो ये जब कॉइन का आईसीओ कब आया था, आपको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उन कॉइन का आईसीओ कब आया, उसको आपने ढूंढना है। आप ICOBench.com पे जाइएगा, ICOBench.com, और वहां पे आपको पुराने आईसीओ की डिटेल मिल जाएगी। वहां पे आप देखो कि उस टाइम पे अगर तो कॉइन न्यू है, पुराने हैं तो ऑब्वियसली उनकी तो काफी बड़ी हिस्ट्री बिल्ड हो चुकी होगी, बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पे मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि जो न्यू कॉइन्स होते हैं उसके बारे में पता नहीं होता, जो मोर देन 6 मंथ्स जो न्यू होते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स से ज्यादा ओल्ड नहीं होते हैं।
तो उनके आईसीओ के पेज पे जाइएगा, उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, ये देखिएगा कि कॉइन कितने लॉक हैं, टीम के लिए आईसीओ के लिए कितने लॉक थे, आईसीओ की प्राइस कितनी थी, और उन्होंने वो लॉक टोकन किस ईयर में निकालने हैं। अगर तो वो ईयर आपके राउंड अबाउट 3 मंथ के बाद आ रहा है तो इसका मतलब है कि न्यू सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में आएगी, टोटल सप्लाई मीन के में से कॉइन सर्कुलेट में आएंगे, तो वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, वो जैसे लोग होंगे वो सेल कर देंगे और आपको नुकसान होगा, ठीक है, प्राइसेस नीचे जाएंगे। इसके बाद आते हैं कि ये यहाँ पे ख़त्म होता है फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वालिटी मटेरियल भी मिल रहा है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर आपको जेन में कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या आपको जेन में कोई और पॉइंट है जो मैं मिस कर रही हूँ आप मुझे बता सकते हो कि ये पॉइंट मिसिंग है, ताकि कमेंट पढ़ के दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद बात करते हैं टोटल मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, कि देखिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमेशा न्यूज़ को ही ना समझा करें कि ये एक फंडामेंटल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे ही कॉइन ऊपर नीचे जाता है, हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का जो बोझ है वो न्यूज़ पे डाल दिया। जी नहीं, न्यूज़ जो होती है समटाइम नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके आती है। सरप्राइज्ड? वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, न्यूज़ भी न्यूज़ से न्यूज़ पहले कवर करते हैं कि न्यूज़ जो है उसका क्या रोल होता है, फंडामेंटल एनालिसिस का जजमेंट कैसे करते हैं उस कॉइन में, या टोटल मार्केट अगर बुरी है तो ऑब्वियसली जो सिंगल सिंगल कॉइन है वो भी परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे, कॉइन क्रैश होंगे, ठीक है। तो इसमें न्यूज़ से ही मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनना भी चाह रहे होंगे। समटाइम न्यूज़ मार्केट में लाई जाती है, समटाइम न्यूज़ मार्केट में प्राइस को नीचे चीप प्राइसेस पे बाई करने के लिए लाई जाती है, समटाइम न्यूज़ लाई जाती है बिटकॉइन साइडवेज में चल रहा है मोर देन 1 मंथ से, तब भी न्यूज़ आती है और ये डिसाइड करती है कि मार्केट ने क्रैश होना है कि ऊपर जाना है, जैसे वो न्यूज़ मिले उसके बिहा पे एक्ट करना लाजमी होता है। नेगेटिव न्यूज़ है तो आपको मार्केट से निकल जाना, ये आप सबको पता है। कैसे पता चले ये नेगेटिव न्यूज़ है, कहाँ से पता करें कि न्यूज़ कहाँ से हमें पता करें कि न्यूज़ आने वाली है, या फौरी पता करें कि हम मार्केट से निकल जाएं ये न्यूज़ आ गए, कॉइन टेलीग्राफ है उसको यूज़ करें, उसको करें, ट्विटर है उस पर मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस है ना उसको आप फॉलो करें, जो भी बिट्रैक्स को फॉलो कर लें आप, बाइनेंस को फॉलो कर लें आप, पोलोनिक्स को कर लें, जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस सबको फॉलो कर लें, अच्छे अच्छे कॉइन्स को फॉलो कर लें, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, सारा दिन ट्रेंड 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 होती रहेगी आपके मोबाइल पर, लेकिन आपका बिजनेस है, आपका पार्ट है, आपको पता है आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट किया तो इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, या वक्ती तौर पर नोटिफिकेशन ऑफ भी करते हैं तो दिन में 3-4 दफ़ा देख लें नोटिफिकेशन कौन कौन से आए हैं, ठीक है। तो न्यूज़ जो आती है वो ऑब्वियसली समटाइम लाई जाती है, जब न्यूज़ लाई जाती है ना इसका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा हो, इसकी तरफ भी मैं आता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा हो, और लेकिन ये है कि न्यूज़ बुरी आ गई, ठीक, बिटकॉइन डोमिनेंस भी इतनी कोई खास नहीं, तो उसका मतलब वो न्यूज़ लाई गई है, तो फिर वेट करें, अपने फंड्स को निकाल लें और वेट करें, जैसे मार्केट नीचे गई आप क्या करोगे उसको दोबारा चीप प्राइसेस पे बाई करोगे, उसको चीप प्राइसेस पे बाई करने के लिए एक थंब रूल होता है कि 4 दिन प्राइसेस को एक साइडवेज में चलना चाहिए। 1 डे के चार्ट पे, ये टेक्निकली बात करूँ फंडामेंटल एनालिसिस में, चूंकि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हमेशा साथ साथ में चलते हैं, तो आप क्या करोगे कि 4 दिन वेट करोगे, 1 डे के चार्ट पे 4 कैंडल्स बननी चाहिए, इंडिपेंडेंट कैंडल्स, तो उसके बाद आप उसमें अपॉर्चुनिटी लोगे बाइंग की और उसमें आप गेट इन कर जाओगे प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करके, क्योंकि समटाइम ये भी होता है वो कंटिन्यूशन ऑफ डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। तो न्यूज़ की बेस पर जैसे ही न्यूज़ को जैसे लगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बढ़ रहा है लेकिन बैड न्यूज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पर, या सिर्फ 3-4-10 बिलियन ही मार्केट से आउट हुआ है डॉलर्स में, तो ऑब्वियसली वो न्यूज़ लाई गई है ताकि चीप प्राइसेस पे जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे वेल्स बैठे हैं वो चीप प्राइसेस पे उसको बाई कर सकें, तो इन दैट केस में आप भी उनकी तरह रिएक्ट करें, अपने फंड्स निकालें, उनको अपने फंड्स ना दें, ठीक है, नुकसान की सूरत में जैसे ही प्राइस हो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा वहाँ पे गेट इन कर सकते हो। गुड न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ये आपको भी पता है, गुड न्यूज़ के बेस पर जैसे कॉइन एक दफ़ा पंप होता है, एक बार नोट करें फंडामेंटली हमेशा न्यूज़ आने के बाद 80% कौन सिर्फ एक ही पंप लेता है, ठीक है, और नीचे आ जाता है,
वो जो पंप है ना उसमें आपने प्रॉफिट ले लेना है। जब वो नीचे आता है बड़ा ही रेयर चांस होता है, 30% लेस देन 30% चांसेस होते हैं दोबारा से वो ऊपर जाए। ठीक है, वो दोबारा ऊपर जाने के लिए भी आप बिटकॉइन की प्राइस देखोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं उधर से अच्छी न्यूज आई प्राइस एकदम पंप हो, उधर से बिटकॉइन क्रैश होना शुरू हो गया, फिर जैसे बिटकॉइन क्रैश होकर एक जगह पे स्टेबल हुआ आप दोबारा से उसमें गेट इन कर सकते हो। छोटा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, लिख लें, नोट्स बनाते जाएं साथ साथ में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप दोबारा से गेट इन कर सकते हो, इसका मतलब अनदर पंप एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये इन न्यूज को आप ऐसे यूटिलाइज किया करें, न्यूज से डरा ना करें, न्यूज को यूटिलाइज किया करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि आप ये देखें कि कॉइन में टोटल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, आप ट्रेंड देखें क्या टोटल मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ है। देखिए मार्केट्स भी दो तरह की है ना, ओल्ड कॉइन की अलग है, बिटकॉइन और यूएसडीटी स्टेबल कॉइन की अलग है, उनमें ट्रेंड्स अलग होगा और ओल्ड कॉइन का ओवरऑल ट्रेंड अलग होगा, जिसको आप बुल रन भी कहते हो, जिसको आप ओल्ड कॉइन सीजन भी कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अगर तो वो ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो ये मैटर करता है कि आपकी जो बाइंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। मीन अगर अप ट्रेंड में है तो ज्यादातर चांसेस ऑब्वियसली यही होगा कि प्रॉफिट मिलने के ज्यादातर चांसेस हैं, लेकिन अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो ज्यादातर फोकस आपका ये होना चाहिए मैंने लॉस से कैसे बचना है। ठीक है, लॉस से बचना है, प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा। इवन दैट अप ट्रेंड में भी आपने लॉस से बचना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करें, लेकिन स्टॉप लॉस अप ट्रेंड में कम यूज होता है, मैं आपको ये बताना चाहूँ। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग मेरे इस बात से एग्री नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस भी एक स्ट्रेटजी है, उसको हर एक जगह पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। जैसे हर इंडिकेटर हर तरह के मार्केट में वर्क नहीं करता है, क्योंकि मार्केट की बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस हैं, कभी मार्केट बेयरिश है, कभी मार्केट बुलिश है, कभी मार्केट साइडवेज में है, कभी अप ट्रेंड है, कभी डाउन ट्रेंड है, राइट। इसी तरह एक इंडिकेटर सेम तरह के मार्केट में काम नहीं कर सकता है, या सेम टूल एक तरह के मार्केट में काम नहीं करता है, सेम मार्केट में काम नहीं करता, तो उसकी जगह पे कुछ और अप्लाई करना होगा। तो आप इसका भी प्रॉपर यूज सीखें कि स्टॉप लॉस को भी कैसे यूज किया जाता है। ये वैसे मैंने अपने चैनल क्रिप्टो नोट चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बताया हुआ है कि आपने स्टॉप लॉस को कैसे यूज करना है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हो उसके लिए किन किन बातों का ख्याल रखना है। हाँ, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो फिर ऑब्वियसली स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड में तो आपको ये भी पता होना चाहिए ट्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसके लिए आपको कम्प्लीटली सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस दोनों साथ साथ में चलते हैं। 40% रोल प्ले करता है फंडामेंटल एनालिसिस, 40% रोल प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस, और 20% एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसमें मैन्यूपुलेटर्स भी होते हैं, जिसमें आपकी लक भी होती है, जिसमें आपका पोर्टफोलियो भी होता है जो आपने खुद से मैनेज करना होता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो होते हैं, और आपकी खुद की बिहेवियर भी होता है कि आप पैनिक भी होते हैं कि नहीं, साइकोलॉजी भी होती है, सिचुएशन एनालिसिस भी उसी में आता है। तो 40% टेक्निकल एनालिसिस, 40% होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस, 20% एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो आप मुझे क्रिप्टो नोट्स एट आउटलुक डॉट कॉम पे ईमेल कर सकते हो, crypto.notes@outlook.com, crypto.notes@outlook.com पर आप मुझे ईमेल करके, और आप मुझसे पेड ट्रेनिंग भी ले सकते हो, 1 month का कोर्स होता है। ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करने के बाद मैं आता हूँ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। बहुत सारे लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, वो ये नहीं, सिंपल ये नहीं होता कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो मार्केट बढ़ रही है। तो व्हाट अबाउट ऑल्ट कॉइंस, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर आप ये इन हालात में देखो, टोटल मार्केट कैप तो बढ़ रहा है लेकिन ऑल्ट कॉइन ब्लीड हो रहे हैं। ये गलत इंटरप्रिटेशन होती है, इनको फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद 24 आवर वॉल्यूम होता है, BTC डोमिनेंस होती है। ठीक है, जो भाई न्यू उनको बता देता हूँ, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इस टाइम पे टोटल क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में कितना पैसा है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के मुताबिक, 24 आवर वॉल्यूम में कितना पैसा आया, कितना कम हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। 7 डेज का एनालिसिस डाटा ले लें और लिखना शुरू कर दें या रोजाना देखना शुरू कर दें, आपके मेमोरी में एडअप होता जाएगा। बिटकॉइन की जो डोमिनेंस होती है वो जितनी ज्यादा होगी ओल्ड कॉइन्स उतने ही कम होंगे। बिटकॉइन के डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि बिटकॉइन का पैसा जो निकल के ओल्ड कॉइन में आया है तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है। ठीक है, मीन कि बिटकॉइन का हाथ
कितना ऊपर है ऑल्टकॉइन पे। जितना ज्यादा बिटकॉइन डोमिनेंस होगी उतना ही बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, इतने ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ऑल्टकॉइन पे। प्रेशर पड़ने का मतलब बिटकॉइन की जो डोमिनेंस जितनी हायर होगी ऑल्टकॉइन उतने ही क्रैश होंगे, जितनी ज्यादा कम होगी ऑल्टकॉइन उतने ही बूम करेंगे, राइट। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस हमेशा आपको जुबानी पता होना चाहिए, कम हो रही है, लास्ट वीक कितनी थी, लास्ट मंथ कितनी थी। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर हो तो आपको ये चीजें जुबानी पता होना चाहिए। अभी इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, हमेशा इनका बैलेंस देखा जाता है। अगर आप मेरा पिक्सल देख रहे हो, बिटकॉइन की डोमिनेंस और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ रहा हो और बिटकॉइन की डोमिनेंस, इंटरप्रिटेशन बताने वाला हूँ, कोर वाला पॉइंट है, इसको लिख लें या जेन में रख लें। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा हो, बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही, इसका मतलब है ऑल्ट सीजन है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में है चाहे वो लॉन्ग टर्म में है, इसका मतलब उस टाइम पर ऑल्टकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो रहा और बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही हो तो उसको वर्स कंडीशन कहते हैं, इसका मतलब बिटकॉइन की और डोमिनेंस, बिटकॉइन की प्राइस भी कम हो रही है, ऑल्टकॉइन की प्राइस भी क्रैश हो रही है, बिटकॉइन भी डंप हो रहा है, ऑल्टकॉइन की क्रैश जो प्राइसेस है वो भी डंप हो रही है। इधर से जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अगर न्यूट्रल है और बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कम हो रही है तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन साइडवेज में होगा, ठीक है, और साइडवेज में होगा या एक जगह पे स्टेबल होगा, और जो बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होने की वजह से ऑल्टकॉइन में ज्यादा पैसा आएगा। ये दोनों न्यूट्रल है, इसका मतलब मार्केट में कुछ भी नहीं है आज के दिन के लिए या इस वीक के लिए, तो आपको इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखनी पड़ेगी। दोनों अगर एक जगह पे स्टील है इसका मतलब ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं होंगी, तो ये एक बेटर सेल नहीं होती है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही हो और आप ऑल्टकॉइन में हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए ओल्ड कॉइन्स में। अगर बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है लेकिन आप बिटकॉइन यूएसडीटी के प्लेयर हैं तो बेस्ट है कि आप बिटकॉइन और यूएसडीटी में ट्रेड करो। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिगजैग हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करें यहाँ पे और इसको आप देख लें और दो तीन दफा सुनेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं अपने नोट्स में वापस जाता हूँ कि पावरफुल ओल्ड कॉइन और बीटीसी, जी हाँ, अभी ये देखें कि ज्यादातर ये इससे ही इंटरकनेक्टेड पॉइंट है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से और बिटकॉइन की डोमिनेंस से ही एक ये इंटरकनेक्टेड पॉइंट है। अब ये देखें कि इस टाइम पे ज्यादा पावरफुल कौन सी चीज है, बिटकॉइन की प्राइस है या ओल्ड कॉइन है। बिटकॉइन डंप हो रहा है, ओल्ड कॉइन ऊपर जा रहे हैं, बिटकॉइन स्टेबल है या ओल्ड कॉइन ऊपर जा रहे हैं, बिटकॉइन पंप हो रहा है या ओल्ड कॉइन नीचे जा रहे हैं। तो इन चीजों में आपने ये देखना कि ज्यादा फायदा किस तरफ है। बिटकॉइन और यूएसडीटी की ट्रेडिंग में ज्यादा फायदा है तो आप ओल्डकॉइन से पैसा निकालो और बिटकॉइन यूएसडीटी में चले जाओ। इसी यही तो होता है कि बिटकॉइन पंप होता है और ओल्डकॉइन आपके ब्लीड हो जाते हैं, तो इसका मतलब लोग वहां पे जंप इन कर रहे हैं, उधर उधर से बिटकॉइन की प्राइस में जंप कर रहे हैं, यूएसडीटी से प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उधर से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो भी बढ़ रही होती है, तो जहां से प्रॉफिट मिलता है वहां पे जंप इन कर लें। एक बात आप जहन में रख लीजिएगा, कोई भी कॉइन फेवरेट नहीं होता है। जब तक कोई कॉइन प्रॉफिट दे रहा है वो आपका फेवरेट है, जब वो प्रॉफिट देना छोड़ गया उसे गेट आउट हो जाए, उसको छोड़ दें, ऑफ हो जाए उससे, ठीक है। तो अगर ओल्ड कॉइन ज्यादा पावरफुल है, बिटकॉइन में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप अपना ओल्ड कॉइन से पैसा, बिटकॉइन से पैसा निकालोगे या यूएसडीटी से स्टेबल मनी से पैसा निकालोगे, ओल्ड कॉइन में डाल दोगे क्योंकि ओल्ड कॉइन आपको अभी प्रॉफिट देने वाले हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशन जहाँ पे, सिंपल रूल, फ्लक्चुएशन जहाँ पे है वहीं पे आपने ट्रेड करनी है, जहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है डंप है वहां से निकल जाए, वो आपके लिए है ही नहीं है। एंड ऑफ द डे में आपको प्रॉफिट चाहिए, कॉइन नहीं चाहिए आपको। जल्दी से मैं और ज्यादा कवर करता हूँ, ये देखना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस में कि एक तो मैंने आपको चार्ट वाइज ट्रेंड बताया ना कि मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। ये देखें जब ये आप क्रिप्टो, ओब्वियसली अगर आप ये वीडियो हो सकता है फ्यूचर में देख रहे हो, 2020 में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, ठीक है, 2030 में देख रहे हो, उस वक्त क्या चल रहा है मार्केट में, क्या आईसीओस का जमाना है, 2017 आईसीओस का दौर था, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, आप आईसीओ में पैसा डालते थे उससे आप डबल प्रॉफिट, 7x 5x प्रॉफिट इजीली मिल जाता था। ऐसा ऐसा करके आईसीओज ने लूटना शुरू कर दिया, लोगों को समझ आना शुरू हो गया आईसीओज में कुछ नहीं रखा, वो 2018 के मिडल तक आईसीओज आना बंद हो गए, खत्म हो गए, आज भी आते हैं लेकिन कोई उनको पूछता नहीं है, घास नहीं डालते 2019 में। आजकल क्या जमाना है, आजकल है इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग का, आईईओ का, उसमें ये आज मिला कि एटलीस्ट ये जो आईसीओ है एक्सचेंज पे तो लिस्ट होगा, बहुत सारे जो आईसीओ है वो पास्ट में तो एक्सचेंज पे लिस्ट होते ही नहीं थे, ठीक
ठीक है, आपके पैसे डूब जाते थे वो या स्कैम करके भाग जाते थे। अब एक्सचेंज जो होते हैं वो भी रिलायबल सोर्स है, वो आपको एडवांस में बताती हैं कि हम ये कॉइन जो हैं इसको अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे, ठीक है। फिर उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कैसे हमने आईईओ करना है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो है सॉरी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग को आपने कैसे बाय करना है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो एक्सचेंज के, वो उस लिहाज से आप उसको बाय कर लेते हो। आजकल ज़माना जो है 2019 में वो इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग का है, आईसीओ का ज़माना पुराना हो गया, आईईओ का है। अगर आप आज के दौर में आईसीओ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप कंप्लीटली लॉस में हो। हमेशा अप टू डेट रहना है मार्केट में कि क्या मार्केट में इस टाइम पे चल क्या रहा है, ठीक है, कौन सी चीज इन है, कौन सी चीज आउटडेटेड हो चुकी है। हो सकता है फ्यूचर में और बड़ी बड़ी नई चीजें आपको मिलें, आईओ इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग से ऊपर भी कोई और चीज आ जाए, ठीक है। उस वक्त के मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि इस टाइम पे जमाना क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आउटडेटेड में आप जा रहे हो, ठीक है। एमएलएम से भी बचें, वो भी फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है जिसकी टीम का आपके बारे में पता नहीं। एमएलएम जो कॉइन, इसके ऊपर पूरी वीडियो भी आएगी सून, हो सकता है इसी चैनल पे आएगा, क्योंकि ये जो चैनल जो मैंने, वैसे ये मेरा जो चैनल है न्यू चैनल है, इसके ऊपर मैं वही सिलेक्टेड सी वीडियो डालूंगा ताकि आप लोग इनसे ऑब्वियसली दूसरी वीडियो देखते तो आपको कम से कम क्रिप्टो करेंसी में भी आप गेट इन रह सको, ठीक है। तो आपको टाइम टू टाइम भी बताता जाऊंगा कि क्या इस टाइम पे किस चीज़ का चल रहा है, और आगे फ्यूचर में जो जमाना आने वाला है क्रिप्टो करेंसी में फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे, वो ऑब्वियसली सिक्योरिटी टोकन्स का है। पीछे लोगों को बहुत लूटा गया है आईसीओस के नाम पे, एमएलएम कंपनीज के नाम पे, तो ऑब्वियसली अभी जो भी कॉइन आएगा या कुछ वो सिक्योरिटी टोकन्स होगा, उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड होगा ये कि इसका दफ्तर कहाँ पे है, इसके एसेट्स कितने हैं, क्या ये वाकई जो ये बता रहे हैं किसी कॉइन को कि हम ये वाली यूटिलिटी देंगे, ये वाला बेनिफिट देंगे, क्या वाकई वो रियल लाइफ में प्रोडक्ट है भी है कि नहीं है, ठीक है। बैंक इनका कौन सा है, इनकी नेशनैलिटी कौन सी है, वो सारा अब ये है कि गवर्नमेंट से अप्रूव हो के सिक्योरिटी की बिना पे आगे आया करेगा। मीन सिक्योरिटी एक्सचेंजेस या जो सिक्योरिटी कॉइन्स हैं उन चीज़ों का ख्याल रख के उसके ऊपर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग या इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग लेके आएंगे। हाँ, मेरा गला खुश्क हो गया बोलते बोलते। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचनी चाहिए आप लोगों के थ्रू। आप लोग ही हमें सपोर्ट करोगे और आप लोगों की आवाज़ से ही मैं स्ट्रांग हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करते तो इस तरह की वीडियो में मोटिवेट होता हूँ बनाने के लिए, तो मैं भी इस तरह के जो यूज़फुल वीडियोज़ है वो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। इसके बाद जो है वो ये है कि फ्यूचर, अगर मैं देखूं इसको, फ्यूचर्स करंट सक्सेस, जी हाँ। इसके बाद आप ये देखो कि ओवरऑल और मार्केट में अपकमिंग न्यूज़ क्या है। न्यूज़ की बेस पे ही इंटरकनेक्टेड पॉइंट है, लेकिन उससे डिफरेंट है। ये देखो कि जैसे बिटकॉइन है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये सक्सेसफुल होने जा रहा है। मोस्ट ऑफ द जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, आप क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर स्टडी कर रहे हो फंडामेंटल एनालिसिस पर, आपको एक कॉइन से हटके भी सोचना पड़ता है कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ कि नहीं, इसका अप टू डेट नॉलेज है भी है कि नहीं मेरे पास। बहुत सारे लोगों को ब्लॉकचेन के स्पेलिंग तक नहीं आते, ये भी पता नहीं ब्लॉकचेन होती क्या है, लेकिन फिर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और पता नहीं है। पता होना चाहिए, और अपकमिंग चैलेंजेस क्या हैं ये भी पता होने चाहिए, अपकमिंग इसके क्या बेनिफिट होंगे, अडॉप्शन कितनी है ये भी पता होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड कितना अडॉप्ट किया जा रहा है ये भी पता होना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री को मैं टच कर रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने टच किया कि कॉइन को कैसे स्टडी किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर। सेकेंड पार्ट में मैंने टच किया कि पूरी ओवरऑल मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल इस पूरी इंडस्ट्री का भी फंडामेंटल एनालिसिस पे कैसे देखा जाता है। ये जो एक टर्म है ना कि इज बबल बस्ट, इन दो लफ्ज़ों से बचें। ये मैं 2013-14 में भी सुना करता था कि बिटकॉइन का जो बबल है, ये सोल्ड कॉइन है, वो बबल वो बस्ट होने वाला है, ये होने वाला है, ये वो। ओवरऑल अगर मार्केट देखें कि इनकी जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं, गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, इसमें रेगुलेशन आ रही हैं, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन पे इस टाइम पे रेगुलेशन आना बाकी है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं जो उनमें रेगुलेट हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम आ रहा है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्ट आता जा रहा है,
तो आप देखो फ्यूचर में इसके चैलेंजेस क्या है, आपको पता होना चाहिए, अपडेटेड न्यूज़ होनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट के मोदी जी क्या कर रहे हैं या इमरान खान क्या कर रहे हैं उसका पता है ना, सियासत में आपको पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर क्या चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में क्या चल रहा है, कौन सा कंट्रीज को अडॉप्ट कर रहा है, कौन सा कंट्रीज के खिलाफ है। क्रिटिकल वे में अपना भी देखा करें कि खुद आप क्या कहते हो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने आप को साइकोलॉजिकल तौर पर आप थोड़ा सा मजबूत करें कि आप, अगर आप साइकोलॉजिकल तौर पे डिसीजन मेकिंग स्किल है तो आप इस फील्ड में परफेक्ट हो। वो कैसे होगा, कंप्लीट सीखने के बाद टेक्निकल एनालिसिस भी सीखें, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखें। मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो आप इस फील्ड को सीखें और अपने आप को साइकोलॉजिकल तौर पर अपने आप को ट्रेंड करें, रोबोट की तरह करें, उसमें इमोशंस कम से कम आने दें। ये भी फंडामेंटल एनालिसिस का, सेल्फ डिसिप्लिन भी फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो के साथ मैंने सही तरह साफ किया, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है या बहुत सारे पॉइंट्स रिवाइज हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका क्या ख्याल है कि क्या वीडियो में आपको यूज़फुल नॉलेज मिला है, मुझे बताइएगा। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।